तुम कब तक ऐसे घर में पड़े रहोगे, कोई काम धंधा करोगे नहीं? अरे हनी, तुम फिर से शुरू हो गई। अरे क्यों ना पूछूं, मेरा हक बनता है तुमसे पूछने का। यार मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाएगी तो कर लूंगा ज्वाइन। तुम्हें अच्छे से पता है कि सिर्फ मेरी सैलरी से ना ये घर नहीं चल सकता है। अरे मेरे खुद के इतने सारे खर्चे हैं, मैं कहाँ से मैनेज करूँ ये सारी चीजें? ऊपर से तुम्हारे खर्चे भी आ गए। अच्छा तो अब ये दिन आ गए कि मैं तुम्हें बोझ लगने लग गया हूँ। घर पे बैठा खाली इंसान ना बोझ ही लगता है। अच्छा हनी, मुझे ना 17 दिन हुए हैं जॉब छोड़े हुए, और तुमने इन दिनों मुझे 700 बातें सुना दी हैं। और जब मेरे पास जॉब थी, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं थी, मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं बोला कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो। ये तुम्हारा फर्ज है और ये तुम्हें करना पड़ेगा। अरे मैं अपना फर्ज निभा तो रहा था, अब बीच में मेरी जॉब चली गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि अगर तुम्हारे पति की जॉब नहीं है तो तुम उसका ख्याल रखो, ये नहीं कि उसको 100 बातें सुनाओ दिन में। और तुम्हें ना इस टाइम मेरा साथ देना चाहिए। मेरे बस की नहीं है सब कुछ, आई बात समझ में तुम्हारे? दीदी को कुछ एडवांस चाहिए था। एडवांस? अभी तो तुम 2000 रुपये एडवांस लेके गई थी। हाँ दीदी, पर वो थोड़ा जरूरत पड़ रही है। अगर तुम्हें दोबारा जरूरत पड़ी है, तुम दोबारा एडवांस लेके जाओगी तो अगले महीने तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, तो तुम घर कैसे चलाओगी अपना? दीदी मैं समझ रही हूँ, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे घर में? दीदी वो मेरे पति है ना, उनका 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था। जब वो काम से आ रहे थे तो बस उनकी दवाइयों के लिए एडवांस में पैसे मांग रही हूँ मैं आपसे। तो फिर तुम घर कैसे चलाती हो? 3 महीने से तुम्हारे पति की सैलरी तो आ नहीं रही होगी। 3 महीने नहीं दीदी, 4 महीने से। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तब उनके मालिक ने उन्हें पैसे भी नहीं दिए थे। दीदी जो मुझे पैसे मिलते हैं ना, उनसे घर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा और उनका खर्चा जैसे तैसे चल ही जाता है। और तुम्हारी बचत? मेरी बचत तो वही है ना दीदी, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तुम्हारे खुद के खर्चे भी तो होंगे, तुम वो सब मैनेज कैसे करती हो? दीदी मेरा कोई खर्चा नहीं है, पहले छोटे मोटे खर्चे होते थे, वो अब मैंने बंद कर दिए। बस मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और जब उन्होंने मेरा इतने टाइम तक साथ दिया है, तो अब तो मेरा फर्ज बनता है ना कि बुरे टाइम पे मैं उनका साथ दूं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दी। तुषार आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतने टाइम से यही समझ रही थी कि मेरे पैसों बस मेरा ही हक है, और मैं गलत थी। इस बात का एहसास मुझे सीमा ने दिलवाया, और वो तो बस महीने का 5000 रुपये कमाती है, उसमें वो अपने पति का खर्चा और घर का खर्चा चलाती है। मैं तो महीने का 40000 रुपये कमाती हूँ, उसके बाद भी इतनी गलत सोच रखती हूँ, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है, मेरे लिए वही काफ़ी है। अब से तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहो, और घर का जितना भी खर्चा है ना वो सब मैं मैनेज कर लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपनी जॉब ढूंढो।